फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल शेरवानी कोट पैंट थ्री पीस बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार मानवता के हक में। तो मालेगांव में तो हमेशा ही होता है कि अतिक्रमण होते रहता, उठते रहता और बार बार लगते रहता। तो ये अतिक्रमण हमेशा गाड़ी डेली इधर घूमेंगी, जब्ती लेंगी कि अभी अतिक्रमण सबको उजाड़ देंगे, सबको तोड़ देंगे, उसके बाद फिर कल और अतिक्रमण हो जाए। ऐसा कुछ नहीं करने होना ऐसा। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे शहर के आवाम को सूचित करना चाहता हूँ कि अभी बारिश के दिन शुरू हो गए हैं और बारिश के दिन में आपने अगर बड़ी बारिश हुई तो ये नालों और गटरों में पानी बह के इस मतलब ये अतिक्रमण नहीं है, बारिश का अतिक्रमण है। नहीं सुनो ना, अभी मैं पूरा तो बोलने दो। और इससे क्या होता है, ये अतिक्रमण करने की वजह से ये लोगों को पहले भी इंटीमेशन दे चुके हैं अपन। बीच में अपन ने दो चार टाइम मुहिम लगा के निकाल भी दिए, लेकिन लोग वापस अतिक्रमण कर लेते छोटे बहुत बड़े पैमाने पर। हमारा अगस्त अतिक्रमण पता गए, हमारे चार प्रभाग स्तर पर बीट मुकादम का भी अतिक्रमण पता गए। ये डेली हर गांव में घूम के जहाँ अतिक्रमण ज़्यादा करके शहर में ज़्यादा करके अतिक्रमण है, लेकिन हमारे पतक के माध्यम से हमें हर जगह हर टाइम में हर महीने में हर रोज़ हमारी गाड़ी घूमती है। जहाँ मेजर प्रॉब्लम होता है वहाँ का अतिक्रमण निकाला जाता है। ये अहम रास्ता है शहर का, मार्केट का रास्ता है, और जहाँ पे ज़्यादा लोगों की तादाद है या जहाँ गाड़ियों का आना जाना है, यहाँ के सब हम अतिक्रमण मुहिम शुरू किए। माननीय आयुक्त हमारे प्रशासक भालचंद्र गोस्वामी साहब ने आदेश दिए कि जो भी गटर नाले या रास्ते के जो भी अतिक्रमण होंगे कच्चे पक्के सब निकालने है। इसके लिए चार प्रभाग अधिकारियों के नेतृत्व में चार पतक हर प्रभाग में तैयार किया है। मतलब ये कि अतिक्रमण खाली बारिश के लिए है? नहीं, ये हमेशा होने वाली प्रक्रिया, ये एक दिन की होती नहीं है। एक दिन में पूरा गांव का अतिक्रमण निकल गया ऐसा नहीं होता, ये डेली होने वाली प्रक्रिया। आज यहाँ हमने निकाला तो और महीने के बाद कहीं तो भी यहाँ एक बन जाता है और नया कभी भी बनता है। जैसे जैसे हमारा जो मैन पावर है उसके हिसाब से हम हमारा काम करते रहते हैं। अभी अतिक्रमण निकलेगा उसके बाद पता गाड़ी घूमते रहेंगे, हमारे पीट मुकादम जो है वो खुद वहाँ पे घूमेंगे। जहाँ अतिक्रमण निकला गया है वहाँ पे घूमेंगे, इनकी गश्त रहेंगे हर रोज की, और देखेंगे आपने जो निकाला उसमें से और किसको तो बस नहीं गया और बस गया तो उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये अतिक्रमण निकाला जा रहा है कि मालेगांव शहर के साथ मजाक मालेगांव दिल साफ कर रहे। आयुक्त तथा प्रशासक साहब के आदेश से जो है अभी अतिक्रमण की मुहिम चल रही है। अभी पीछे हमने आगरा रोड पे निकाले, उसके बाद दूसरी बाजू में निकाले, मछली बाजार में निकाले। ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलने वाली है। अतिक्रमण जो लोग करते रहते तो हमारा भी काम निकालना है, इसलिए आयुक्त साहब के आदेश हम निकालेंगे। अतिक्रमण अभी जो लगाएगा उससे हम हमी पत्र भर के फिर उसके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे इसके आगे। ये डेली बात है, प्रशासन कार्पोरेशन अधिकारी ये कई साल से बोलते हैं। अब भरत सावकर आया है, बोलना भरत सावकर। हाँ भरत सावकर आया है, अब ऐसा काम होगा नहीं। अतिक्रमण अभी रोज निकलेगा, रोज निकलेगा रोज। और कोई दादा रहो करो उसको अभी बुला लो, मैं यहाँ खड़ा है ना भैया। ये पब्लिक का काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेडीज स्कूल जाते हैं, उनकी छेड़छाड़ होती है, उनको धक्का लगता है। ये हमारे नहीं, ये सबकी बहना माता है, ये समझ के तुम खुद निकालो। अतिक्रमण के उनको डेली केस बनेंगे, डेली केस सामान जमा होगा। अतिक्रमण को आप लगाम देंगे? चार गाड़ी लिए है वो सब रोज राउंड मारेंगे। गाड़ी आ गई आ गई।